भाजपा के 40वें स्थापना दिवस पर संपूर्ण हिमाचलवासियों को बधाई देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा 40 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। दो सांसदों की पार्टी आज 303 सांसदों की पार्टी हो चुकी है। जिस पार्टी में एक भी राज्य में सरकार नहीं होती थी, आज अनेकों राज्यों में सरकारों का सफल संचालन भाजपा कर चुकी है। जिस पार्टी के लाखों सदस्य होते थे, आज 18 करोड़ सदस्य हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हमें गर्व है कि भाजपा राष्ट्रीयता के विचार पर काम करने वाली पार्टी है, जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां सामान्य से कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री व पार्टी का देश व प्रदेश में अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकट की घड़ी में भाजपा अपने मूल सिद्धांत पर चल रही है, पहले देश फिर पार्टी फिर बाद में मैं, इसलिए पार्टी सभी क्षेत्रों में सेवा कार्य में जुटी हुई है। स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता अभावग्रस्त लोगों को भोजन व राशन बांटने में लगे हैं। भाजपा का युवा मोर्चा मुख्यमंत्री राहत कोष व प्रधानमंत्री राहत कोष में धन पहुंचाने के लिए जनता को प्रेरित कर रहा है। महिला मोर्चा घर में फेस मास्क बनाकर वितरित करने के कार्य में लगा हुआ है। पार्टी उन सभी नर्सों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करता है, जो इस संकट की घड़ी में अपने घर और परिवार की चिंता छोड़कर समाज की सेवा में जुटा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का 40वां स्थापना दिवस है। इस शुभ अवसर पर समस्त भाजपा परिवार को हम बधाई देते हैं। वो पार्टी जो दो सांसदों से शुरू हुई, 303 सांसदों पर पहुंची, अनेक अनेक राज्यों में सफल सरकारों का संचालन किया, अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे प्रधानमंत्री को देने वाली पार्टी, आज दुनिया के महान नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी को देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में ये खड़ी हुई है। आप सब इसके सदस्य हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आज संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता श्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर और हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की और इच्छा के अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश में सेवा के कार्यों में जुटा है। आज हमारा कार्यकर्ता अभावग्रस्त व्यक्ति को राशन और भोजन पहुंचाने में लगा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि पहुंचे, इस कार्य के अंदर लगा है भारतीय जनता पार्टी की बहनें। घर घर में मास्क बना करके और फेस कवर के रूप में लोगों को पहुंचाने में लगी हैं। इस प्रकार कोरोना से जो विश्वव्यापी लड़ाई है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का विशिष्ट योगदान रहे, यह आज सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है। हम मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज पुनः पुनः भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं।